हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। द क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नाउ द फर्स्ट वन ओवर हियर इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सी, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। अब देखो, उसी में से कोई ना कोई आइडेंटिटी से हमें इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, नाउ यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, this is equal to x square plus a plus b into x plus a b, ठीक है। अब देखो, कंपेयर करते हैं, ओवर हियर देर इज x, 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 तो x तो सेम है। नाउ व्हाट अबाउट a? a देखो, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज a एंड आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज 4, दिस मीन्स a इज इक्वल टू 4। After positive sign there is b, after positive sign there is 10, this means b is equal to 10। तो यहाँ लिखो where a is equal to 4 and b is equal to 10, ठीक है। अब देखो, अब फिर से लिखते हैं इसको, x plus a is equal to 4, then x plus b is equal to 10, this is equal to x square plus a plus b, a is 4 and b is 10 into x plus a into b, ठीक है। This is equal to x square plus 4 plus 10 is 14, so 14x and 4 tens are 40. So this is the product of x plus 4 into x plus 10, which is equal to x square plus 14x plus 40, ठीक है। Now the second one, द सेकेंड वन इज एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, नाउ आई एम कॉपिंग दिस एक्स प्लस 8 एज इट इज एंड दिस एक्स माइनस 10 आई एम राइटिंग इन दिस मैनर। लिख सकते हैं ना, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज वॉट नेगेटिव। अब देखो, जो आइडेंटिटी हमने पहला क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही आइडेंटिटी यहाँ भी यूज होने वाला है, एक्स प्लस ए x प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट टाइम राइटिंग यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। अब आगे देखो, नाउ देखो, ऑन कंपेयरिंग x तो देखो सेम है यहाँ पर, ठीक है, देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ x। नाउ आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज a, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज 8, सो a इज हाउ मच, 8, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज b एंड आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज माइनस 10, दिस मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 10, सो राइट वेयर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब देखो, वैल्यू रखते हैं 8, ए और बी के वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, सो आई एम राइटिंग एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, देन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 8, देन पॉजिटिव साइन एंड बी इज इक्वल टू माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज, आउटसाइड यू विल राइट एक्स प्लस ए इंटू बी, सो 8 इंटू माइनस 10, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, 8 माइनस 10 माइनस 2, सो आई एम राइटिंग माइनस 2 इंटू एक्स, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 8 टेन्स आर 80, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, दिस विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स माइनस 80। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखो सबसे पहले तो आई एम राइटिंग दिस 3x प्लस 4 एज इट इज एंड दिस 3x माइनस 5 कैन बी रिटन एज 3x प्लस इंटू माइनस 5। पहले इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाउ देखो अगर इसको आप ध्यान से देखो, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। पर हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिखेंगे वो y वेरिएबल में लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस नॉट सॉरी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो नाउ कंपेयर इट, व्हाट इज y, y इज इक्वल टू 3x, राइट, वेयर y इज इक्वल टू 3x, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज a, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज 4, सो a इज इक्वल टू 4, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज b, आफ्टर पॉजिटिव साइन देर इज माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो, सो y इज हाउ मच 3x, सो 3x प्लस a इज 4, y इज 3x देन प्लस साइन एंड b इज इक्वल टू माइनस 5, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x, सो 3x होल स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 4 देन प्लस साइन एंड b इज इक्वल टू माइनस 5, क्लोज द ब्रैकेट, y इज इक्वल टू 3x, पुट 3x ओवर हियर, प्लस ए बी प्लस a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5, सो 4 इंटू माइनस 5, ठीक है, ये माइनस है। अब देखो 3x होल स्क्वायर, 3 3 इज 9, x इंटू x x स्क्वायर देन पॉजिटिव साइन प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू 3x पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव 4 5 इज 20, दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव 3x माइनस 20, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। नाउ द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज ऑफ फॉर्म, देखो a प्लस बी a माइनस बी, सो आई एम राइटिंग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a ओवर हियर, a इज इक्वल टू y स्क्वायर b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है, ये कंपेयर हो गया। अब देखो फिर से रखते हैं यहाँ पर, सो a इज इक्वल टू y स्क्वायर, आई एम राइटिंग ओवर हियर y स्क्वायर देन प्लस साइन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 देन a इज अगेन y स्क्वायर एंड b इज 3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a इज इक्वल टू y स्क्वायर, सो y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b इज 3 अपॉन 2, सो 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, सो दिस विल गिव यू y स्क्वायर इंटू 2, दिस विल गिव यू y पावर 4 माइनस एंड 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 3 3 इज 9, 2 2 इज 4, सो द प्रोडक्ट विल बी y पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4, ठीक है। नाउ सी द लास्ट वन, ये भी वही वैसा ही है। नाउ सी अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी
a माइनस बी, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 2x, फिर से देखो a हाउ मच 3 एंड b इज इक्वल टू 2x। तो देखो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, a इज 3 सो 3 स्क्वायर एंड b इज 2x, सो 3 3 इज 9 माइनस 2 2 इज 4 x स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव राइट नाउ कंप्लीटेड ऑल द 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।